प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ यूपी ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी चर्चा में रहते हैं। हाल ही में मूड ऑफ द नेशन एक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में यूपी के अलावा देश के दूसरे प्रदेश के लोगों से देश के मुख्यमंत्रियों के कामकाज और लोकप्रियता के आधार पर उनकी राय मांगी गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस लिस्ट में शामिल थे। इस सर्वे में देश के मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता दो स्तरों पर मापी गई है। पहला तो देश भर के 30 राज्यों के लोगों से पूछा गया कि वे देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला मुख्यमंत्री किसे मानते हैं। इस आधार पर देश के टॉप 10 लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की सूची तैयार की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ को इसमें पहला स्थान मिला है। हालांकि मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अगस्त 2023 और फरवरी 2024 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सीएम योगी टॉप पर तो हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता में गिरावट देखने को मिली है, जिसको लेकर आई इंडिया की टीम द्वारा सीतापुर के महमूदाबाद में आम जनमानस से उनकी प्रतिक्रिया ली गई। लोगों ने योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कुछ कहा, आइए उसे सुन लेते हैं। जो सर्वे निकल के आया है, आप क्या कहना चाहेंगे सर्वे पे कि योगी जी की लोकप्रियता का स्तर गिर रहा है या बढ़ रहा है? हमारा अपना मत है कि ये जो सर्वे आया है ये बिल्कुल गलत है। योगी जी की लोकप्रियता अगस्त में और इससे पहले भी बढ़ी है और अच्छी खासी बढ़ी है। उन्होंने युवाओं के लिए काम किया है, उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है, अब तो उन्होंने युवाओं के लिए नौकरी की बढ़िया व्यवस्था की है, इसलिए उनका जो स्तर है वो विगत माह में बढ़ा है। ये सर्वे ठीक नहीं है। ये जो सर्वे जो हुआ है ये तो हमको तो लगता है इसमें किसी की साजिश की गई। इसमें ये साजिश की गई, ये होगा 73% को 33% बताया जा रहा है, क्योंकि योगी जी की योग्यता बढ़ ना पाए, उनका महत्व बढ़ ना पाए, क्योंकि दुश्मन बहुत हावी है योगी जी के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सहानुभूति रखने वाले मुख्यमंत्री है और जो बात कहते हैं वो अटल रखते हैं, और इस समय जो है वो मतलब हर चीज पे वो उनकी पहली निगाह है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे परीक्षा का मामला हो, कोई भी मामला हो, उसमें उनकी पहली निगाह है और खुद अपने स्तर से देख रहे हैं, और इसमें दुश्मन पूरी तरीके से हावी है, और दुश्मन चाहे इतना हावी हो, योगी जी की प्रियता को लोकप्रियता को कोई खत्म नहीं कर सकता। जहां तक मेरी जानकारी है कि सर्वे में लगभग पूरे भारत से करीब 1.5 लाख लोग सम्मिलित हुए थे, लेकिन ये चीज उसमें क्लियर नहीं हो पाई कि उत्तर प्रदेश के कितने लोग उस सर्वे में सम्मिलित हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो परिणाम आए हैं उस हिसाब से उनकी लोकप्रियता को में घटलौती मानी जा सकती है, परंतु उनकी जो ताकत है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। भारत में सबसे प्रथम मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो निर्णय लेने की क्षमता, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता योगी आदित्यनाथ जी के में है। ऐसे में अगर जो सर्वे अगर बता रहा है कि गिरने का कारण है, तो क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, जब जनता के हित में कठोर फैसले लिए जाते हैं, जैसे एक अध्यापक बच्चों के प्रति कठोर फैसले ले लेता है, उस समय विद्यार्थियों को लगता है कि मेरा ये अध्यापक बहुत ही खराब है। उसका परिणाम बाद में सामाजिक जीवन में जब उतरता है तब पता चलता है कि वो अध्यापक मेरे लिए कितना ही अच्छा था या खराब था। ठीक उसी तर्ज पर योगी आदित्यनाथ जो भी फैसले थोड़ी लिए जा रहे हैं वो जनता के हित में लिए जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ ना कुछ तबका जो है उनके फैसलों से नाखुश हो, क्योंकि मीडिया जो है उनके द्वारा लिए गए फैसलों को विस्तार पूर्वक नहीं बता पा रहा है। मीडिया उनके फैसलों को जो है जनता के सामने सही ढंग से नहीं पेश कर पा रहा हो। उदाहरण के स्वरूप कुछ अपराधी पकड़े जाते हैं, इसके बाद उनके घर गिराए जाने की कार्रवाई की जाती है। लोगों में मीडिया द्वारा यह दर्शाया जाता है कि उन्होंने ये गलत काम किया है जिसकी वजह से ये मकान उनका गिराया गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मकान गिराने की प्रक्रिया जो होती है संबंधित नगर निगम के द्वारा उनके द्वारा अवैध निर्माण कार्य की जांच हाँ तेज हो जाती है। अपराधियों के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति व उनके द्वारा किए गए निर्माण कार्यों की समीक्षा जो है इस सरकार में तेजी से होने लगती है। सर्वे योगी जी के लोकप्रियता के बारे में जो किया गया है, हम सर्वे पर बहुत इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, क्योंकि योगी जी लोकप्रिय थे, लोकप्रिय हैं, और योगी जी की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में नहीं, इवन पूरे भारतवर्ष में
सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री की सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में है। योगी जी के काम करने का तरीका, उनका अपराधियों पर नकेल कसने की उनकी क्षमता और इन सबको देखते हुए योगी जी अन्य नेताओं से अलग। ये जो सर्वे के बारे में आपको बताया गया, इसके बाद क्या कुछ क्रिया प्रक्रिया देंगे? देखिए, इसमें सीधा फैक्ट सिर्फ एक है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी से खेला जा रहा है इफैक्ट जारी करके, और इफैक्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल नेगेटिव है और इस पर आपको विश्वास करना भी नहीं चाहिए। अभी आपका बंगाल का आपने अभी रेप केस कांड आपने सुना होगा, आपने ये बताइए यूपी में ये सब कांड आपने लास्ट टाइम कब सुना था? मुझे लग रहा है मैंने काफी समय से सोच रही थी, जब से योगी जी सरकार है मुझे सुनने में नहीं आया, और जो आया है तो स्टिल उस पर कार्यवाही खिलाफ हर चीज मुझे मिली। तो हमारी जहाँ पे हमारी बहनें माँ बहनें सेफ हैं, और सबसे बड़ी चीज है शिक्षा पे बहुत महत्व दिया जा रहा है। अभी योगी जी का एक लाइन आई थी, योगी जी की लाइन थी कि जो पुलिस यूपीपी के जो छात्र जिन उनपे जो उनके खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसके घर तक बिकवा देंगे और गरीबों में बंटवा देंगे, तो जो हमारे साथ खड़ा है तो भैया हम उनके साथ खड़े, बात खत्म, सीधी सी बात है, योगी जी हमारे हैं हम उनके। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।